जय माता दी दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के बारे में जून महीने में आने वाली पूर्णिमा जिसे ज्येष्ठ पूर्णिमा कहा जाता है किस दिन है कब से लेकर कब तक पूर्णिमा की तिथि रहने वाली है व्रत किस दिन रखा जाना है इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी पूर्णिमा के महत्व के बारे में इस महीने में आने वाली जो पूर्णिमा है उसे देव स्नान पूर्णिमा और वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है इस दिन वट पूर्णिमा का व्रत भी किया जाता है बरगद के पेड़ की विशेष रूप से पूजा की जाती है और सुहागिन महिलाएं आज के दिन इस व्रत को अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं 24 जून गुरुवार के दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और इस दिन पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ हो रही है तीन बजकर चौंतीस मिनट से और यह तिथि समाप्त हो रही है पच्चीस जून शुक्रवार को ग्यारह बजकर अट्ठाईस मिनट पर दोस्तों हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बहुत महत्व दिया गया है क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं कहा जाता है कि इस दिन पवित्र जल में स्नान करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और इस दिन स्नान करने के बाद दान भी जरूर करना चाहिए दान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है उनका आशीर्वाद मिलता है और खासकर इस दिन जो महिलाएं हैं उन्हें भी व्रत करना चाहिए आज के दिन विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए पूर्णिमा का दिन उन लोगों के लिए भी बहुत खास होता है जिन युवक और युवतियों का विवाह होते होते रुक जाए या फिर उनकी विवाह में किसी प्रकार की कोई भी बाधा रही हो ऐसे में लोग अगर आज के दिन सफेद वस्त्र पहनकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें और भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उनके विवाह में आने वाली हर परेशानी दूर हो सकती है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा भी भगवान विष्णु के साथ साथ जरूर करनी चाहिए और इस दिन अगर आप धन प्राप्ति का उपाय करना चाहते हैं अगर आपके घर में धन संबंधी परेशानी आ रही है तो आज के दिन आपको विशेष रूप से पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करना चाहिए पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ वास करते हैं इसलिए अगर आज के दिन एक लोटे में जल भरकर स्नान करने के बाद आपको इस उपाय को करना है एक लोटे में जल भरकर उसमें कच्चा दूध और बताशा डालकर अगर आप पीपल के पेड़ में अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपके जीवन में जो भी धन संबंधी परेशानी है वो दूर हो सकती है पूर्णिमा का दिन चंद्रदोष को दूर करने के लिए सबसे खास दिन होता है और इस दिन अगर आपकी कुंडली में किसी तरह का कोई चंद्र दोष है तो उसे दूर करने के लिए आज पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर विष्णु सहस्रनाम नाम का या फिर शिवास्ट का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों वैसे तो पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए लेकिन जो परिस्थितियां चल रही हैं उसके अनुसार आपको अपने घर पर ही रहकर स्नान करना चाहिए और भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए आप घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें और दान जरूर करें अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका पूर्णिमा का जो भी व्रत है या जिस भी मनोकामना पूर्ति से आप पूर्णिमा की पूजा कर रहे हैं वो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी दोस्तों पूर्णिमा का दान आप जब भी करें अपने पूर्वजों के नाम से अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान जरूर करें या दान लेते समय आप मन ही मन उनका ध्यान कर लें ऐसा करने से आपको अपने पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है और जिस घर में पितरों का आशीर्वाद बना रहता है उस घर में कभी भी पितृदोष नहीं होता है और पितृदोष से होने वाली परेशानियां जैसे घर में आपसी कलह क्लेश आए दिन दुर्घटनाएं होना या घर में कोई ना कोई नई परेशानी लगे रहना ये सब परेशानियां पितरों के आशीर्वाद से दूर हो जाती हैं दोस्तों यह थी आज की वीडियो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आप सुनना चाहते हैं पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली सत्यनारायण भगवान की कथा तो आपको मेरे चैनल पर यह कथा मिल जाएगी आप मेरे चैनल पर इस कथा को सुन सकते हैं इसके साथ ही अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को लाइक करने के बाद विष्णु भगवान की जय जरूर लिखेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा